हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आइए आज दिखाते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आप लोग को दिखाते हैं आज ये 23 टन Forex 4 फराना। देख सकते हैं इसकी टायर है 1224 और ये रहा लुकिंग इसकी, देख सकते हैं 1123। और जिन भाई को वीडियो ज़्यादा देर तक देखना है, बने रहे, गाड़ी के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा। तो देख सकते हैं, पहले मैं दिखाता हूँ आप लोग के इसकी लुकिंग कितनी बढ़िया और मस्त आ रहा है। स्कॉट कंपनी का इसकी कलर काफ़ी हेवी और बढ़िया आता है। देख सकते हैं, ये हमारे उस्ताद हैं, देख लीजिए मैंने क्या किया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा मैंने वीडियो के साथ कैसे एडिटिंग किया है। तो देख सकते हैं आप लोग भाई, ये फाइनली जो 23 टन का फराना है इसकी काफ़ी ज़ोरदार बनाया है। और क्या अच्छा है, क्या और ख़राब, और क्या क्या फॉल्ट एजेंसी वाले बनाए हैं वो भी दिखाऊंगा साथ में। तो बने रहिए आप लोग हमारे वीडियो में, देख सकते हैं ऐसी इसकी लुकिंग किया है। हेल्पर साइड कुछ नहीं दिया है भाई, ना तो हेल्पर सीट है, ना तो कोई बक्सा, ना ही कोई टूल बैक्स दिया है, इसमें एक भी टूल बॉक्स नहीं है। ये देख सकते हैं फ्लाई जीप है, हालांकि काफ़ी इसमें कुछ नहीं है, देख रहे हैं अलग से जो 2 बोल्ट दिख रहा है, अलग से काउंटर वेट नीचे में ऐसे लग रहा है। 14 टन वाले फराने में आता है, उसी के काउंटर वेट पहले लगाया और बाद में एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। तो देख सकते हैं कैसे और किस चीज़ पे चलता है, मैं बताऊंगा वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। देख लीजिए पहले लुकिंग आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में मैं बताता हूँ लास्ट में क्या है इसके अंदर क्या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, उससे पहले बुला लेते हैं एक अपने ड्राइवर भाई को और पूछते हैं उनसे क्या कमी है इसमें और क्या नहीं कमी है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, और हमारा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो जितने ड्राइवर भाई है और भाई हैं सभी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा वीडियो देखने के लिए। एक ही सब्सक्राइब करना है भाई, ज़्यादा नहीं करना है, एक आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं वीडियो क्या डालता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं, ये है अपना यूरिया वाला टंकी और डीजल टंकी एक साथ, और इधर दिया है अपना बैटरी का और उसका। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एस्कॉर्ट कंपनी वाला सब सही है बनाता है, लेकिन इसलिए भी थोड़ा मोरा गलती कर रहा है। कितना होना चाहिए भाई केबिन, कितना तक होना चाहिए? उतना होना चाहिए, देखिए ड्राइवर भाई बोल रहा है इतना केबिन होना चाहिए, और नहीं तो केबिन उतना पीछे होना चाहिए ताकि हेल्पर साइड से कहाँ से लुकिंग ग्लास से दिखे। इसमें नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है हेल्पर हेल्पर साइड, ठीक है। देखिए दिखा दे तो सही में भाई, यहाँ से देख सकते हैं इतना केबिन, यहाँ से इतना केबिन एजेंसी वाले को देना चाहिए, इंजीनियर को सोचना चाहिए। जो कॉर्नर जो बनाया गया है वो कॉर्नर पूरा इसमें आके बैठता है, एक खाचे में हर गाड़ी कहीं है, लेकिन इसका क्या है शायद बाजी में उसने फिट कर दिया है, इसके लिए पीछे लिया नहीं है, केबिन और पीछा होना चाहिए। तो क्या है लुकिंग ग्लास से दिखाई देता, ये लुकिंग ग्लास से सीट पर बैठने के बाद दिखाई नहीं दे रहा है भाई, हेल्पर साइड कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। देख सकते हैं लाइट का है भाई, एक चीज इसमें है ये सेटेलाइट, इसको जीपीएस है, इसमें लोकेशन दिखाएगा गाड़ी कहाँ जा रही है, कब चालू हो रही है, कब बंद हो रही है। चालू करके दिया होगा एजेंसी वाला तो ठीक है, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आएगा, नहीं तो इससे चालू करवाना पड़ता। मच्छर तक उड़ा दे रहा है, लेकिन हवा को गलत जगह दे रहा है, इसको अपना से सेंटर मिलाना पड़ेगा, इधर घुमाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए दिया है अपने पीछा जा रहा है,
construction. Me? देखेगा तो सब बोले खजराई कर रहा है। कंट्रोलर इसका काफी हेवी डाला हुआ है, एक नहीं है भाई, एक सिलेंडर की अलग अलग है वो, दूसरे पुराने फराने में एक ही रहता है, इसमें एक सिलेंडर का अलग है, एक सिलेंडर का अलग है, दो कंट्रोलर है, एक नहीं, देख सकते हो भाई आप, डबल है इसमें, तो देख सकते हो भाई ये गाड़ी जिसमें स्विच लगी रहती है इसी से चालू होगा और इसी से बंद भी होगा। इसमें स्टॉपर वायर नहीं है, सिर्फ हैंड ब्रेक है, देख लीजिए हैंड ब्रेक लगा नहीं है, अभी लगा है। तो इसमें चाबी स्विच से ही गाड़ी बंद होगा, एक्सीलरेटर वायर नहीं है ना तो स्टॉपर वायर। तो भाई देख सकते हैं वीडियो में आप लोगों को दिखाया थोड़ा जानकारी, और लोड चार्ज के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और भाई लोड चार्ट का वीडियो मैं बनाऊंगा, आप लोग कमेंट कीजिए, जिस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं सबका एक एक मैसेज का जवाब दूंगा, जो दिक्कत होगा आपको चलाने के लिए उसका सलूशन भी दूंगा। अगर कोई भी फॉल्ट आपको नज़र आ रहा है या फिर आपको चला नहीं पाते या कोई दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपका हर प्रॉब्लम का वीडियो बना के उस पर अपलोड करूँगा। और आप यकीन मानिए भाई, वीडियो देख के आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसकी लुकिंग काफ़ी मस्त है, क्योंकि स्पोर्ट की कलर फिनिशिंग काफ़ी अच्छा मारता है, प्राइमर मार के फिर मारता है। इसमें हेल्पर साइड नहीं दिया है, सीट वो दिया कि हेल्पर साइड का कुछ ऐसा दिया ही नहीं है। तो आगे का लुकिंग देखिए, ये देखिए कितना मस्त आ रहा है, देख सकते हैं ये घूम रहा फूक भी, और टायर मतलब बड़ी गाड़ी है तो थोड़ी हैवी तो बनाया, क्योंकि इसमें बीच नहीं है, क्योंकि सेट क्या लिए नहीं बीच के लिए, देख सकते हैं आप लोग पीछे लिखा हुआ है 4x4, पहले लिखा हुआ था 4x4 लेकिन अब 4x4 लिखा है। और गाड़ी के अंदर सिस्टम बटन का दिया है और 2D 4D दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।